Mohtarma Janab Rumina Khurshid Alam Sahiba, Honorable Parliamentarian, Special Assistant to Prime Minister and Convener SDGs, ex-chairman and one of the legend in biotechnology, Dr. Kosar Abdullah, ex-chairman PRC, Dr. Yusuf Zafar Saab, Dr. Khalid Salim Saab, present chairman PRC, Dr. Mahmood Hussain Saab, Arif Kuhir Saab, my academia people, और ख़ास तौर पे डॉक्टर शौकत साहब, डॉक्टर इरफान, ब्रिगेडियर सईद, तलाल, अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूं तो बहुत माजरत चाहूँगी, क्योंकि सुबह से एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जिन सब के नाम मैं लेना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि इस इंटरेस्टिंग लेकिन मुश्किल टॉपिक पे हम सब मिलके बैठे और जो इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त। आज का जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है, सुबह जब मैं सुन रही थी कि वो जॉइंट सेशन क्यों कॉल किया गया मैडम रुमीना, तो उसमें एक एजेंडा था क्लाइमेट चेंज पे भी बात होगी। और क्लाइमेट चेंज पे क्यों बात होगी कि कल रात मंडी बाउदीन में इतनी ज्वालाबारी हुई है कि लगता था वहाँ बर्फबारी हो चुकी है। तो डॉक्टर इरफान से मैं पूछ रही थी कि हमारे गंदम के सिट्टे का क्या हाल हुआ। मेरा कंसर्न वो है कि इस क्लाइमेट चेंज या शदीद इवेंट से हमें आगे फूड सिक्योरिटी में या इसमें क्या चैलेंजेस होने पड़ेंगे। मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगी, चैलेंजेस की बात सब ने सुबह कर ली है। जस्ट इसको देखते हुए आगे जाएंगे। नेक्स्ट ये एक बात थी जेंडर एंड बायोटेक्नोलॉजी। सुबह मैडम समीना साहिबा ने पूछा था ख़वातीन के बारे में, तो शायद मैं इन ख़वातीन के बारे में ना जानती कि वो क्या रोल प्ले कर रही हैं। अगर पिछले 6 साल से मैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को खुद ना हेड कर रही होती, कि सबसे पहले अपने आप को मैं बहुत मशकूर हूँ ये यहाँ बैठे हुए सारे चेयरों की जिन्होंने मुझे इतना एजुकेट किया कि आज मैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कॉन्फिडेंटली इस पर बात कर सकती हूँ। डॉक्टर समीना की लैब जाके आप विज़िट करें, मैं नाम लेके बताऊँगी। यकीन नहीं आता कि एक खातून इतना ज़्यादा रिसर्च करवा रही हैं। इतना मुश्किल प्रेजेंटेशन उनकी आज थी कि बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली डॉक्टर बशीर की तरह कहा होगा सर से गुजर गई। लेकिन आप सोचें कि जो आप मिट्टी है उसके अंदर माइक्रोब की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने जब अपना एमफिल की रिसर्च कर रही थी तो दही के बैक्टीरिया पे थी, तो जहन में एकदम से आता था बैक्टीरिया मुंह में जा रहा है। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, जानने लगते हैं, आपको कदर होती है कि एक मकई का दाना, एक गंदम का दाना, एक चावल का दाना किसकी कितनी मेहनत के बाद उगला है। वो मिट्टी सोना उगलेगी, हमारी मिट्टी अभी भी सोना उगल रही है, सिर्फ हमें मिल के बैठने की ज़रूरत है। और मेरे आज के इस सेमिनार में आपको सबको बुलाने का एक मकसद, और ख़ास तौर पे जो पीछे यंग जनरेशन बैठी हुई है और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे हैं। आज शायद ही यहाँ कोई स्पीकर होगा जिसके टीचर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब नहीं होंगे, लेकिन कल इनको आप कह सकते हैं ये उस्तादों के उस्ताद भी हैं। डॉक्टर यूसुफ जफर साहब भी उस्तादों के उस्ताद हैं। डॉक्टर शौकत साहब मेरे साथ उस दिन टैग की मीटिंग में बैठे थे, जब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के डीन साहब आए तो उस दौरान मीटिंग में इन्होंने सिर्फ एक बात की, ये मेरे उस्ताद हैं। और एग्रीकल्चर में पाकिस्तान दुनिया का उस्ताद रहा है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। मेरे एक बास थे मलक रब नवाज साहब, उन्होंने मुझे 1971 की एक तस्वीर दिखाई, पाकिस्तान से एग्रीकल्चरिस्ट का डेलीगेशन गया था यूएस, उसमें उनके वालिद शामिल थे। मुझे जॉर्डन जाने का इत्तेफाक हुआ, जॉर्डन के एक शहर कतबा में आज भी पाकिस्तानी सिंध के लोग आबाद हैं जिन्होंने वहाँ एग्रीकल्चर की बुनियाद रखी है। तो हमारे अपने मुल्क के अंदर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बुनियाद रख रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की बुनियाद नहीं रख रहे। खुदारा कहूंगी सबसे इस फोरम से कि उस वक्त से डरें जब हमारे पास रहने के लिए छत तो हो लेकिन खाने के लिए खुराक ना हो, हमारे पास मीं बरसना बंद ना हो जाए, हमारे पास इतनी शॉर्टेज ना हो जाए कि जैसे आज आटे जिक्र किया सुबह कुरैशी साहब की, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने बात की, आटे के थैलों पे आज लड़ाई हो रही है, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। मैंने भी बचपन में देखा हुआ है कि जब हम स्कूल से वापस आते थे रास्ते में एक जगह बड़ी एहतमाम से लाइन लगी होती थी, क्या है जी, राशन डिपो है, यहाँ से राशन मिलता है।
लेकिन उस वक्त राशन पे कोई मर नहीं रहा था, आज राशन पे लागतें हो रही हैं। हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, और इसमें हम कहाँ जा रहे हैं शायद हम इस डेटा को अभी तक नहीं जान सके। हमें अभी भी इसको रियलाइज करने की, किसी दावत में जब जाते हैं तो मैं एक बात कहूँगी, चावल खाने से पहले सोचिएगा चावल के एक दाने पे कितने लीटर पानी खर्च होता है। हम लग्जरी के तौर पे अभी भी चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। सैलाब के दिनों में मेरी एक डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, उनसे मैंने कहा आपके इलाके में खाने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा खुदा के लिए पके हुए चावल मत भेजिएगा, इतना चावल यहाँ ज़ाया हो चुका है कि पका हुआ आता है, यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, वो ख़राब हो रही है, हमें फेंकने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं मुझसे सुबह पीटीवी वालों ने कहा आप कानून के बारे में क्या कहती हैं, तो मैं कहती मैंने कानून के बारे में तो इतना नहीं जानती, जो कुरान थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो हदीस थोड़ी बहुत पढ़ी है, और जो नजल बलागा से सीखा है, हमारी ज़िंदगी का कानून कुरान पाक है। और कुरान पाक ने में आज सुबह भी जो हमने तिलावत की थी ख़ास तौर पे कि अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी गई हैं, ज़रात के अंदर अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी गई हैं, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के अंदर, और साथ साथ बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें कुरान एक ऐसी चीज़ अता कर दी, अगर हम देखें तो हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम क्यों खाई, वत्ती ने व जैतून ने व तूर सीनीन, कसमें खा रहा है जैतून की, वो किसी हीरे जवाहरात की रब ने कसम नहीं खाई है, एक दरख्त की कसम खाई है। कोई बात तो है कि जो हमारा रब दरख्त की कसम खाता है। हमारा नबी कहता है अगर जंग का तिबल बच जाए और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो तो वो भी लगा दिया करो। इस कदर हुक्म है हमें नबातात को बचाने का, नबातात पे काम करने का, जिस तरह हुक्म है कि नई शहर और आबादियाँ कायम करो, इसी तरह इन चीज़ों का भी है। मैं सातवां साल है अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ एज ए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कि अपना फ़र्ज अदा करूँ, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा हक अदा करें, आप मेरा हक मुझे दें, मैं अपना फ़र्ज अदा करूँगी। मेरा हक ये है, मुझे आपसे तावन चाहिए, मेरा हक ये है हम सब मिलके बैठें और बैठ के सोचें कि इस मुल्क को ज़रूरत किस चीज़ की है। 1997 में मैं अपने डायरेक्टर आसिफ शुजा साहब को आज ज़रूर याद करूँगी, वो रोज़ाना मुझे बुलाते थे और बैठ के हम बात करते थे कि जी एम ओ क्या होते हैं, और जी बड़ी ख़तरनाक कोई चीज़ है, जी एम ओ आएगी हमें खा जाएगी, हमारे मुल्क को तबाह कर देगी। मैं और आसिफ शुजा साहब डॉक्टर कौसर के पास गए उनके ऑफिस में, जो आज भी इन्होंने जिक्र किया कि जापानी टेक्नोलॉजी की ईएम की बात करते थे, इफेक्टिव माइक्रोब्स की, वो उस वक्त और तरह की बात कर रहे थे। और डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब के साथ बैठ के हमने वहाँ काफ़ी देर डिस्कशन की, और आसिफ शुजा साहब कहीं भी जाते थे किसी फोरम पे तो मुझे साथ ले जाते थे कि ये आपका सब्जेक्ट है, ज़रा आप गौर से सुनिएगा, जो चीज़ मैं ना समझूँ समझाइएगा। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन उन्होंने खुद ये लीड नहीं ली थी, डॉक्टर कौसर के साथ मुझे निपजी भेजा था कि जाके बायोसेफ्टी गाइडलाइंस लॉन्च करके आए। मैंने अपने सीनियर से, अपने साथ से यही सीखा है, और मैं समझती हूँ कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, मैं उनको ये चीज़ आगे देना चाहूँगी। आज के जहाँ तक इवेंट की बात है, दो चीज़ें इस लिहाज से बहुत अहम और काबिल ज़िक्र हैं। पिछले दिनों मुझे तमाम यहाँ जितनी कंपनीज आई हुई हैं, मैं सबके फर्दन फर्दन नाम लूँ, तो मैंने अपना विज़िट शुरू किया मुल्तान में सनक्रॉप के ऑफिस से, देन मुल्तान के एरिया में बेताशा कंपनीज के ऑफिसेस मौजूद हैं। एक टैग मीटिंग में सर हमने रखती थी कंडीशन कि आप हमसे हमेशा फील्ड ट्रायल का अप्रूवल लेके जाते हैं, आप लगाते कहाँ हैं। कुछ मेंबर्स की तरफ से एतराज़ था, तो ये डिसाइड किया गया कि आपकी फील्ड विजिट किए जाएंगे और देखा जाएगा कहाँ कहाँ ये क्रॉप्स हमारी लगती हैं और किन कंडीशन पर। और यकीन के साथ कि कम अज़ कम जो 9 सालों में जाके एक क्रॉप कमर्शलाइज होती है, उसका डेटा किसी ड्राइंग रूम में नहीं बनाया जा रहा, वो कोई साइंटिस्ट बैठा वहाँ काम नहीं कर रहा, वो साइंटिस्ट वहाँ फील्ड में बैठे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैं नाम भूल गई, आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे आज सारे अपने नाम और नंबर दे के जाइएगा, कि जिस तरह से
फील्ड में एक्सटेंसिवली मेरे साथ ही उन्होंने 4-5 दिन गुजारे। कुछ कंपनीज के लोग आज यहाँ नहीं आए, शायद वो मेरी ईमेल को समझ नहीं पाए थे कि हम क्या इवेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सब हमारे साथ हैं। तो वहाँ जेंडर का एक रोल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नेक्स्ट पे जाइए। ये खवातीन आपको नजर आ रही होंगी, ये सबके लिए एक हैरान कन बात होगी कि जितना भी हमारा कॉटन का सीड तैयार हो रहा है, वहाँ इन लोकल औरतों के लिए ये डॉक्टर समीना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि ये सीड ये खातून एक एक बीज अपने हाथ से चुन रही है। तो बिट जोरदार तालियां होनी चाहिए उन कंपनीज के लिए कि जो वहाँ पे इन खवातीन को रोजगार मुहैया कर रहे हैं, ये फील्ड ट्रायल्स लगा रहे हैं, सीड जनरेट कर रही हैं। तो इस तरह से भी हमारी खवातीन तक कुछ हद तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। बल्कि मेरे साथ डॉक्टर साहब थे तो मुझे कहने लगे ये आपने तो तस्वीर ले ली है, हम ये जरूरत नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा अच्छा, अगली नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये शेयर करना चाहूंगी, जरूरी समझती हूँ कि जितने मेरे यहाँ पैनलिस्ट भी थे सबने बात की। जो मैडम रुमीना बात कर रही थी कि बिल्कुल हमें उस जबान में बात करनी है जिसमें हमारे लोगों को समझ आए, हमारा आपस का ये मामला है, आपस में पहले हम बैठेंगे बाद में किसी और के साथ। तो बूटी कितने वजन की लगी, मैंने ये लैंग्वेज सुनी, 7 ग्राम तक हमारी बूटी पहुंच चुकी है कपास की। वो काली सुंडी आ रही है कि नहीं, अमेरिकन सुंडी आ रही है कि नहीं, डॉक्टर शौकत मुझे उस दिन बता रहे थे कि पिंक बोलवॉर्म का फिर अटैक होने लगा है हमारे वायरस कपास पे। तो ये वो है हमारे फील्ड ट्रायल्स, आप चार दीवारी देख लें कितने एहतियात के साथ हमारे ये लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो ट्रायल्स लगा रहे हैं और कितना अरसा लगता है उनको एक पौधे को उगाने में। आज मैं आप सबसे कहूँगी घर में जाइएगा एक मिर्च का पौधा लगाइएगा, मिर्चों के सीड तो हर घर में पड़े होते हैं ना, तो जरा देखिए कि कितनी मेहनत होती है उसको उगाने में। तो ये जो हमारी कंपनियां, हमारे रिसर्चर्स, हमारी R&D ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, एक दफ़ा ज़रा उनके काम को जांच के देखिए और फिर सोचिए कि हमारी ज़रात में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आज हमारी ये रिसर्च अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, पॉलिसी सपोर्ट की वजह से रुक जाए तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने फूड के लिए, और हम ही नहीं हमारा लाइफ स्टॉक, पूरा एक साइकिल है जो सब पे डिपेंडेंट है। ये हमारे वो फील्ड ट्रायल हैं जो कॉटन की हम बात करते हैं। डॉक्टर कौसर साहब सुबह कह रहे थे 250, तो मैंने कहा नहीं सर हम 500 से ज़्यादा केसेस देख चुके हैं अब तक। नेक्स्ट में ये बड़ी हैरत हुई मुझे जब मैंने ये फील्ड विजिट शुरू किया और कुछ जगहों पर जाके शर्मिंदगी भी हुई, एडमिट करना चाहिए, जहां हम दफ्तरों में बैठ के फाइलों पे चीज़ें देर कर देते हैं, क्योंकि कुछ जब केसेस पे कंडीशंस थी हमारी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में, जब तक उनके फील्ड ट्रायल की लोकेशन नहीं देखी जाएगी वो फील्ड ट्रायल नहीं होंगे। और मैं बगैर किसी उसके कहूँगी कि हमारी वजह से 11 महीने केस लेट हुए, कुछ हमें एडमिट करना चाहिए। और यही अगर मैं अकाम बाला की नज़र में ये चीज़ नहीं लाऊंगी तो शायद हम ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो समटाइम्स ये काम हमारी दफ्तरी फाइलों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज को जो मैंने विजिट किया, इवन ये ऊपर अंधेरे में जो तस्वीर है ये जिक्र कर रहे थे डॉक्टर खालिद साहब, शायद 500 एकड़ का इनका है और अंधेरा हो गया था, ये ट्रैक्टर की लाइट में खड़े होके इनके फील्ड हमने देखे। इन्होंने फिर भी नहीं कहा कि आप लोग लेट हो गए, इनकी सारी टीम मौजूद थी वहाँ पे और इन्होंने, बिजली नहीं थी उस फील्ड के अंदर तो ज़ाहिर है नहीं लाइट हो सकती, तो ट्रैक्टर की लाइट में इनका फील्ड विजिट किया गया। नीचे कुछ है, ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वहाँ पे भी ऐसे वीग्रो कंपनी, उन्होंने अप्रूवल ना होने की वजह से, डिले होने की वजह से वहाँ जो उस फील्ड तैयार किया हुआ था अपनी GM क्रॉप के लिए, वहाँ ट्रायल पे कुछ सब्जियाँ लगा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि समटाइम्स हमारे एंड पे, समटाइम्स टेक्निकल लोगों की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, बाज़ औक़ात पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ देर हो जाती है हमारे कामों में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मिल के बैठें और इसको इस तरीके से काम में लाएँ कि हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहें। आज की सेमिनार के हवाले नेक्स्ट कीजिएगा, ये जेंडर की बात कर रही थी, फिर मैं मैडम समीना से बात करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा
जब जाके इन ये हमारी एक और कंपनी है उसके भी शायद एक आध नुमाइंदे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, आईसीआई, बाकी समझते होंगे आईसीआई बर्जर पेंट ही सिर्फ होता है, ये हमारी आरएनडी कंपनी है और ये तकरीबन जितने साइंटिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, ब्रीडर वहाँ मौजूद है, उनका डेवलपर वहाँ मौजूद है और ये भी इलाका मुल्तान के एक रिमोट एरिया में, आप समझते हैं किसी गांव में जा रहे हैं, ये वो इलाके हैं। तो एक चीज़ की अश्योरेंस भी यहाँ मैं आपको दूँ कि कम अज़ कम ईपीए के फोरम से जो काम हो रहा है आज दिन तक वो प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेटेड, कोलैबोरेटेड और ऑथेंटिक काम है। कोई इसमें ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आज दिन तक हमारे किसी आरएनडी सेक्टर के किसी बंदे को कोई लाइसेंस जो है बगैर काम के इशू हुआ है और बाहर से किसी इंपोर्टेड सीट के ऊपर रबर स्टैंप लगा दी गई है, ये दिस इज नॉट हैपनिंग। नेक्स्ट, ये वो क्रॉप्स हैं जिनके दरमियान शायद आप में से कोई भी जाए और जाके खड़ा होकर बहुत खुशी महसूस करेगा कि मेरे मुल्क के लहलाते खेत अभी मौजूद हैं। किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इश्तहारात टीवी पे चलते थे, मेरे मुल्क में बिजली आई है तो ये हरियाली भी है, हमें इस हरियाली के लिए काम करना है क्योंकि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जहाँ पे कमिटमेंट हमें पार्लियामेंट की तरफ से मिल रही है, हमें एकेडमिया की तरफ से कमिटमेंट मिल रही है, इदारों की तरफ से मिल रही है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। मेरे ख्याल में ये एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पब्लिक प्राइवेट की जो तफरकाबाजी है वो ख़त्म होना चाहिए, तफरकों से बालातर हो जाना चाहिए हमें, हम तभी पाकिस्तान को अपनी क्रॉप में, फूड में एक सस्टेनेबल कंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग, मुख्तलिफ फील्ड का विजिट किया है और इसमें भी दिलचस्प बात बताती चलूं कि मेरे पास चेयरमैन पीआरसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, ये अकेले ही लड़ रही हैं, मैं पूरी बात, इन्होंने कहा अकेली हैं, मैं कहूँगी अकेले लड़ रही हैं। टीम बनाने में, कमेटीज बनाने में समटाइम्स कोई अवेलेबल नहीं होता, कोई बात नहीं होती। एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा जी उठो चलो, रिक्वेस्ट की कुछ रिसर्च दोस्तों को, कुछ सीनियर साइंटिस्ट को, डॉक्टर इरफान यहाँ बैठे हुए, इनसे मैंने कहा आपको सारी जगह पता है, मेहरबानी करें मेरे साथ चले कि ये केसेस लेट हो रहे हैं, अगली एनबीसी से पहले हम ये कर लें। तो मैं बहुत मशकूर हूँ उन सब लोगों के तावन की जिन्होंने फील्ड में वहाँ इतना कोऑपरेशन किया और इस तरीके से ये विजिट सक्सेसफुल बनाया कि आज भी मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे जी हम काम क्या करें, मैंने कहा आप काम शुरू कर दें, कागज़ में भेजती रहूँगी आपको, क्योंकि हमारे कागज़ जो हैं वो हमारे मौसम के मरहून मन्नत नहीं है, बारिश हो गई हल चलानी है। और एक चीज़ और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं रूलर औरत हूँ, इस्लामाबाद में रहते हुए मुझे ज़रूर 33 साल हो चुके हैं, बट प्राउड टू बी अ रूलर वेमेन। तो वो मुझे थोड़ा सा पता होता है बवाई कब करनी है, हल कब चलाना है, लीक कब निकालनी है, सील कब करनी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि इस पर हम काम करें और डॉक्टर समीना यहाँ पे वेमेन का रोल जो है डेफिनेटली हम भरपूर तरीके से अदा करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चर नहीं आई, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैंने मुल्तान में इन लोगों के जो दफातर देखे हैं, लेबॉरटरीज, मैंने फोर ब्रदर्स की लैब देखी है, उनको रिकग्नाइज ना करना यहाँ पे शायद ज्यादती होगी, वहाँ 24 घंटे काम हो रहा है और बहुत सारी एग्रीकल्चर की लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो पिछले दिनों मुझे रहीम यार खान यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, सवाए मेरे वहाँ कोई खातून स्पीकर नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ उनसे कहा, मैंने कहा जिस तरह पार्लियामेंट में है ना 33% कोटा ख्वातीन का होना चाहिए, तो आइंदा से एग्रीकल्चर के फोरम पे ख्वातीन स्पीकर का भी कोटा होगा कि ख्वातीन स्पीकर्स को हमने लाना है, चाहे वो लैब में काम कर रही हैं, चाहे वो ब्रीडिंग में काम कर रही हैं। और ख्वातीन की एक्सेस बहुत आसान है ख्वातीन तक जब स्पेशली फील्ड में जाती हैं। फील्ड में काम करने के दौरान मुझे खुद एक्सपीरियंस, हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, कहीं पे हमें बुरके में जाना पड़ता है, कहीं चादर में जाना पड़ता है, कहीं दुपट्टे में जाना पड़ता है, लेकिन हमारा अदरवाइज ये बैरियर ख़त्म करना हमारा है। मैंने खुद बटाग्राम में जब काम किया तो मैं वहाँ अबाया पहन के जाती थी और जितनी एक्सेप्टेबिलिटी मुझे मिली अर्थक्विक के दौरान शायद किसी और को नहीं मिली होगी। तो ये हमारा अपना है कि हम कल्चरल बैरियर्स की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा रिलीजियस बैरियर कोई नहीं है, अगर रिलीजियस बैरियर होता तो काबे के अंदर मर्द और औरतें इकट्ठे तवाफ़ ना कर रहे होते, ये बैरियर हमने बनाए हुए हैं, हमें इन बैरियर्स को ख़त्म करना है चाहे रिलीजन के नाम पर या कल्चर के नाम पर। लेकिन एग्रीकल्चर में
एग्रीकल्चर में हमारी औरत मर्द से ज़्यादा मेहनत कर रही है। आप सिंध में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं। एक और कमी जो शिद्दत से महसूस हुई है वो ये है कि हमारे केपीके और बलूचिस्तान में इस पर इतना काम नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ने सुबह भी बात की है, हमें उन एरियाज़ को देखने की ज़रूरत है, उन इलाकों को देखने की ज़रूरत है जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर लैंड तो अवेलेबल है लेकिन कुछ और रीजंस की वजह से, चाहे सिक्योरिटी के रीजंस भी बहुत बड़ा रीज़न है लेकिन उससे हट के नीड बेसिस कि अगर गंदम पंजाब से आ रही है तो हम क्यों इन इलाकों में ग्रो करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है। हमें इन पर भी मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद वक्त लिए बगैर एक तो मैं सबसे पहले अपने तमाम ऑडियंस, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपके बगैर ये सेमिनार मुमकिन नहीं था। जो एकेडमी की लॉन्चिंग आज की है इसमें ये SDGs के जो देखे हैं टारगेट इसके अंदर, तो ये रखने का पर्पस ये था कि ये एकेडमी क्रॉस कटिंग में हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेगी। ये पाकिस्तान एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, जब एनवायरमेंट की डेफिनेशन अंडर द लॉ आप देखें तो उसमें एनीथिंग इन द एयर, ऑन द ग्राउंड, इन द अर्थ, वो सब एनवायरमेंट की डेफिनेशन में आता है। तो उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रही है, इंजीनियर और डॉक्टर्स के अपने अपने फोरम हैं, वहाँ वो काम कर लेते हैं, रह जाते हैं हम लोग। और हमें जब कोई हेड हंटिंग करनी होती है तो हम अक्सर फ़ोन कॉल्स एक दूसरे को कर रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छा कैंडिडेट बता दो, इस पर्पज़ के लिए किसी को चाहिए। अखबार में इश्तहारात दिए भी जाएं तो वो हेड हंटिंग हम नहीं कर सकते। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सब की मशकूर हूँ, एक एकेडमी के लिए आप सब की रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी इस स्टेज पे बैठे हुए अपने सारे पैनलिस्ट का, राइट फ्रॉम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे डीन साहब तशरीफ लाए, यूसेन हमारी मीटिंग में आए थे, इनका अंदाज़े बयां इतना खूब था, मैंने कहा इनको बुलाइए आके ये बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें। यूनिवर्सिटीज़ में हम जब जाते हैं हमें जो एग्रीकल्चर के लोग मिलते हैं हम उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे। हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के पीछे पड़ गए, हम एग्रीकल्चर के पीछे भी पड़े, हम एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें हम नहीं कर रहे। दिस इज़ डायर नीड। तलाल से बात की, फर्दन निपची से, डॉक्टर साहब से बात हुई, चेयरमैन PRC, मैं कहूँगी शायद आज से पहले ऐसा कोई फोरम नहीं होगा जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के तीन चेयरमैन इकट्ठे बैठे हो। आई टेक दिस प्राइड कि तीन PRC के चेयरमैन आज इस फोरम पे मौजूद हैं और दैट शोज़ द कमिटमेंट ऑफ द पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल एंड अवर सीनियर रिसर्चर्स इस सब्जेक्ट के साथ और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और क्लाइमेट चेंज के साथ कि वो मिलके काम करेंगे, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आरव गोहिर, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में, NDCs में जितने इनका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में, तो आई इनवाइटेड हिम। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर साहब है, इनका मैं एक और भी शेयर कर दूं, डॉक्टर साहब मेरी एक ग्रेजुएशन आपकी यूनिवर्सिटी से भी है तो मैं आपके भी शागिर्द हूँ। बाकी तो कुछ यूनिवर्सिटी से है ही ग्रेजुएशन लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से भी मेरी ग्रेजुएशन है। इससे हट के मैं तमाम अपने स्पॉन्सर्स, कोऑर्डिनेटर, तारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, पायनियर्स, सिजेंटा, सनक्रॉप, फोर ब्रदर्स, ICI, किसी का नाम भूल जाऊं तो माजरत चाहूंगी क्योंकि जब केसेस में देखती हूं उस वक्त तो सारे नाम याद रहते हैं। कैम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डॉक्टर कौसर नहीं आ सकी, शी इज़ रियली कंट्रीब्यूटिंग, निगाब, निपची, कैम, हर एक अदारा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है IP के साथ कि शायद किसी और फोरम पर उनको नहीं जांचा जाएगा। इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़, एक चीज़ और जो मैं यहाँ शेयर करना चाह रही थी, इस वक्त तक जो हमारी सक्सेस है, हमारी 53, डॉक्टर शौकत ने अपनी स्पीच में बात करती थी, मैं नहीं दोहराऊंगी, इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटीज़ हमारी रजिस्टर्ड है हमारे साथ, हमारी टैग कमेटीज़ 30 हो चुकी हैं, हम NBC की सिल्वर जुबली मना चुके हैं और 500 से ज़्यादा केसेस अब तक हम रिव्यू कर चुके हैं। और टारगेट तो हमारा ये होता है कि हम क्वार्टरली ये काम करते रहें लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से नहीं कर सकते। सेकंड, मैं
जितने स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी, मेरे साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे साथ यहाँ फास्ट यूनिवर्सिटी के, हरिपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हमारे इंटर्न्स थे, ये जितने आपको अशर्स नज़र आ रहे थे, ये सारे मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो ईपीए में इंटर्नशिप के लिए आए हुए थे। दे वॉलंटियर फॉर दिस इवेंट, ईपीए की मेरी अपनी टीम, ऑल ऑफिसर्स ऑफ ईपीए, और एक दो लोग ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका ये इवेंट हो रहा है, हम आ जाएं। तो मैं समझती हूँ वो लोग जो बेटी की शादी में या ऐसे इवेंट में बगैर बुलाए आते हैं, वो वाकई डिज़र्व करते हैं कि उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूं। जैसे कहते हैं बेटियां सबकी सांची होती हैं, अगर शादी में बुलाना भूल जाएं तो खुद चले जाएं, इसी तरीके से ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हर एक की जिम्मेदारी है। यहाँ अगर किसी को हम बुलाना भूल जाएँ तो प्लीज़ खुद तशरीफ ले आइएगा। और ये सारा इवेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं था अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर मज़र, प्रोफेसर कायद आज़म यूनिवर्सिटी और डॉक्टर वहीद यूसुफ, इनकी मुझे सपोर्ट ना होती, क्योंकि ये एकेडमी का सपना तो 20 साल से मैं देख रही थी ईपीए में, कि जब भी रजिस्ट्रेशन होती थी, मेरे दो बच्चों की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन है, मेरी आज दिन तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरी बेटी की पीएमडीसी के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मेरी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज तो 26 साल हो गए हैं इस मुल्क के लिए भी काम करते हुए, यूनिवर्सिटी से डिग्रियां भी लेते हुए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी बरादरी को कोई ऐसी चीज़ ज़रूर दे के जाऊँ कि हम यहाँ मौजूद हों या ना हों। मैं आपको वेट कर रही थी शील्ड्स के लिए। मेरी तरफ से माजरत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, हैव टू रश फॉर अ मीटिंग। असल में मैं थोड़ा सा तकरीर लंबी कर रही थी कि मैडम वापस आ जाए, इन्होंने शील्ड देनी थी, लेकिन वो इसीलिए इनकी कॉल आई हुई थी, तो सुबह वाले फोरम की वजह से ही। थैंक यू सो मच मैडम। और एक बच्चे का मैं जिक्र करना चाहूँगी, उसको चंद दिन हुए ईपीए को ज्वाइन किए हुए, हसीब, लेकिन मुझे लगता है जैसे महीनों से मेरे साथ काम कर रहा है, और जितनी कोऑर्डिनेशन इस बच्चे ने इस काम के लिए की है शायद मैं खुद भी ना कर पाती। और इससे हट के सबसे ज़्यादा मैंने जिस से भी रिक्वेस्ट की, सब ने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया, मुझे ये एजाज़ बख्शा कि यहाँ आए। और एक चीज़ कहूँगी, आज हमारा ये फोरम जो था, मैं समझती हूँ नेशनल लेवल का था। हमारे दो अपकमिंग फोरम्स हैं, एक बहुत सारे दोस्तों ने दावत दी हुई है कि अगला सेमिनार मुल्तान में करें, तो एक वो है, और दूसरा हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, तो नेक्स्ट फोरम में हम इंटरनेशनल पार्टनर में को भी इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर रुमीना के जाने की वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला साहब से कि सब में शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सर आप अपनी शील्ड सुबह ले चुके हैं। और एक चीज़ और आखिर में कहती जाऊँगी, जो रिकमेंडेशन सुबह के सेशन में आए थी उनको सर हम ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन विद योर पार्टनरशिप, विद योर कोलेबरेशन एंड विद योर सपोर्ट। वंस अगेन, ये इवेंट अकेले कामयाब नहीं हो सकता था, वो चाहते लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और एक खूबसूरत सी बात कुछ दिन पहले किसी ने शेयर की थी मेरे फील्ड विजिट के दौरान, कि हमारे मुल्क की काटन को क्या हो रहा है, हमारी टेक्सटाइल को क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा काटन को शुगर हो गई है, कि बहुत सारे कॉटन फील्ड्स की जगह शुगर लगनी शुरू हो गई है, तो इसलिए हमने कॉटन को शुगर और डायबिटी से बचाना है, हाइपरटेंशन से भी बचाना है। तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मिलके काम करेंगे, और इंशाल्लाह मुलाकात फिर भी रहेगी, लेकिन आज के लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए। औकत अली फ्रॉम लिंकअप, डॉक्टर खालिद हमीद, डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर खालिद हमीद, डॉक्टर समीना महनास, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर नासिर अहमद सईद, Thank you.
डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर नासिर अहमद सईद, डॉक्टर आरिफ कोहीर, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अथर महबूब, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली, डॉक्टर तसव्वुर सरवर, डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान, तलाल हकीम, तलाल हकीम, तलाल हकीम, राशिद चीमा, डॉक्टर वहीद यूसुफ, तसव्वुर हुसैन मलिक, डॉक्टर मजहर इकबाल, now I would request you to please gather assemble for a group photo. Madam, group photo.